नमस्कार, मैं लता न्यूज 31 उत्तराखंड बागेश्वर से आपके साथ हूँ। आज हमारे साथ हैं पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री हरीश ऐठानी जी। आइए उनसे जानते हैं कि उनका कार्यकाल कैसा रहा और अपने कार्यकाल के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। देखिए, पिछले 5 साल 2014 में कार्यकाल की शुरुआत हुई। पहले दिन से ही विवाद की स्थिति पैदा हुई कि 10-10 बराबरी के बाद लॉटरी के से कार्यकाल की शुरुआत हुई। लॉटरी में जिसका नाम की पर्ची उठती है वो बाहर जाता है और जिसके नाम की पर्ची रह जाती है तो वो सीट पे बना रहता है। तो उसके बाद संघर्षपूर्ण कार्यकाल रहा। जिला न्यायालय से लेके हाईकोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष किया। उसके बाद लगातार विकास के कार्यों के साथ साथ अदालतों के भी चक्कर लगाए। उसके बाद से जब सत्ता का परिवर्तन हुआ 2017 में, तो उसके बाद प्रताड़ना जिसको कहा जाएगा वो शुरू हुई। बड़े एलिगेशंस, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। 3 साल तक इनको विभिन्न प्रकार की जांचें, चाहे कमिश्नर स्तर की जांचें हों, चाहे जिलाधिकारी स्तर की जांचें हों, चाहे शासन स्तर की जांचें हैं, वो हमारे प्रतिद्वंदियों ने लगातार पूरे प्रयास करे कि किसी तरह इनको बदनाम कर इनके कार्यकाल के समय पे जो भी कार्य हुए उनको वो किया जाए। तो क्योंकि हमने निष्पक्षता से और सभी नियमों को मानकर हमने वो कार्य किए थे, तो ये कहीं से कहीं तक उसमें ला नहीं पाई कि ये कार्यकाल में इनके समय में ये घपला हुआ था, ये हुआ था, आरोप प्रत्यारोप के दौर चले, तो लेकिन ये कहीं पर भी सिद्ध नहीं कर पाए। तो जहाँ तक है, समय बड़ा बलवान होता है। फिर पुनः जनता ने, पूरे उत्तराखंड के इतिहास में है, पुनः 2019 में सामा जैसे दूरस्थ क्षेत्र से 1739 वोट से जिताकर आशीर्वाद के रूप में दिया। मेरी धर्मपत्नी करीबन 1500 वोटों से वो जीत के आई बड़ी सीट से। तो कहीं ना कहीं जनता ने मेरे कार्यों को सराहा और जनता के आशीर्वाद के रूप पर हमको जिला पंचायत में पुनः स्थापित करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आम जनमानस के संघर्षों को, आम जनमानस की समस्याओं को, क्योंकि पहाड़ की मूलभूत जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याएं हमारे कार्य क्षेत्र में रहती हैं, तो उनको पूरा करने में ही जनता उसमें आशीर्वाद के तौर पर दिया है। तो निश्चित तौर पर भविष्य में भी जनता आशीर्वाद के तौर पर साथ रहेगी और जिस तरीके से कर्म क्षेत्र, कार्य क्षेत्र रहा है, उन क्षेत्रों में निश्चित तौर पर पूरा काम जनता की अपेक्षाओं में खरा उतरने का काम करेंगे। ये जो प्रताड़नाओं की बात आपने की, इनके बीच जनता की क्या प्रतिक्रिया थी आपके समर्थन में? देखिए, जनता के बीच में कहीं ना कहीं ये मैसेज देने का काम करना चाहा था प्रतिद्वंदियों ने मेरे, कि हम इनको किसी तरह बदनाम करके इनकी छवि धूमिल करने का काम करें। लेकिन जनता पर इनको मेरे कार्यकाल का और मेरे कार्यों का जनता भली भांति परिचित थी और मेरे कार्य करने की कार्यशैली से भी जनता परिचित थी। तो कहीं ना कहीं जनता ने इनको इग्नोर किया और कहीं ना कहीं जनता ने हम लोगों को आशीर्वाद के तौर पर एक प्रचंड बहुमत के साथ विजय सीरीज भी दिलाई। आपके अनुसार एक नेता को कैसा होना चाहिए? देखिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक नेता होने के नाते आम आदमी की समस्याओं को सुनने वाला व्यक्ति होना चाहिए जनप्रतिनिधि नेता को, और आम जो समस्याएं हैं उनको कैसे निस्तारण हो उस पे फोकस हमारा होना चाहिए, और जो सरकारी जो योजनाएं हैं वो आम जनमानस तक पहुँचे और उनको जनता तक उनका लाभ उन तक पहुँचे, वो जनप्रतिनिधि होना चाहिए। आने वाले जिला प्रशासन को लेकर आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? आने वाले समय की अपेक्षाएं यही हैं कि मिलजुल कर कार्य करें। निश्चित तौर पर जनता ने आशीर्वाद आपको दिया है। दूरस्थ क्षेत्र से आप आते हैं सभी लोग जनप्रतिनिधि, हमारे बागेश्वर जनपद चाइना बॉर्डर से लगा हुआ बॉर्डर है, तो मेरा ये अपेक्षा सबसे है कि मिलजुल कर कार्य करें, जनता के कामों को प्राथमिकता दें, आम जनमानस की जो सरकार की योजनाएं उनका लाभ आम जनमानस तक पहुंचे, ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूं। मुख्य पीड़ा क्या लगती है आपको पहाड़ की? पहाड़ की मुख्य पीड़ा जो कहा जाए, पीड़ा तो बहुत सी हैं, लेकिन जो आम जो समस्या जो लोगों की है, जो सरकारी योजनाएं, स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वास्थ्य हो गया आपका, शिक्षा हो गया, संचार हो गया, आज उसके लिए संघर्ष करने की ज़रूरत है ताकि जो मूलभूत सुविधाएं जो हमें मिलनी चाहिए वो आम जनमानस तक पहुंचनी चाहिए। आज के युवाओं को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? आजकल के युवाओं से मेरी
गुजारिश है कि जिस तरह से नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है और जो हमारे मूलभूत जो हमारी यहाँ की सेवाएं हैं, या तो सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है हमारा, या सरकारी नौकरियों में जो है, या पुलिस के क्षेत्र में है, तो इनमें युवाओं से मेरी गुजारिश है कि कम से कम एक सीमित अपनी नियमित दिनचर्या रखें और नशे से दूर रहें, और कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा। इसका मेरा युवाओं से मेरा ये गुजारिश है। समाज को समांतर रूप से चलाने के लिए हमें किस तरीके से कार्य करना चाहिए? समाज को समांतर रूप से चलाने के लिए पहले प्राथमिकता के आधार पर जो पीड़ित है या जो जिसको लाभ मिलना चाहिए योजनाओं का, सरकार की योजनाओं को, पहले उनको प्राथमिकता के साथ हमको काम करना चाहिए, ताकि आम जनमानस जो योजनाएं जो सरकार ने बनाई हैं, कल्याणकारी योजनाएं, वो आम जनमानस तक पहुंचे, यही प्राथमिकता पहले रहे। अपने कार्यकाल का कुछ ऐसा काम जो आप लोगों तक साझा करना चाहेंगे? देखिए, मेरे कार्यकाल में विभिन्न कार्य मैंने, जैसे आदर्श मॉडल प्राथमिक विद्यालय कपकोट का है, उसको हमने प्रमोट किया। आज उत्तराखंड में देखेंगे, जिसमें पूर्ववर्ती सरकार आदरणीय हरीश रावत जी की सरकार थी, तो उन आदर्श स्कूलों में से कपकोट एक पहला प्राथमिक विद्यालय आपको पहाड़ का मिलेगा, जहाँ पर 350 बच्चों की स्ट्रेंथ है। उस विद्यालय को हमने पब्लिक स्कूल के रिलेवेंट हमने कंपटीशन देने की कोशिश करी। उसमें जो मूलभूत सुविधाएँ हैं, बच्चों के लिए ब्लेजर है, बच्चों के लिए अन्य फंड्स की ज़रूरत है, कमरों की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं उस विद्यालय को प्रमोट करने के लिए आज हमने निरंतर प्रयासरत रहा हूँ, पूर्व में भी और वर्तमान में भी, ताकि वो विद्यालय जो जिन सपनों को लेके पहाड़ की एजुकेशन पलायन की जो बात करी जाती थी, उसमें एक आदर्श प्राथमिक के तौर पर हमने कपकोट में स्थापित करने का काम किया, जिसके लिए मैं हरीश रावत जी का शुक्रगुजार हूँ कि उनने ये थीम रखी और इस थीम को हमने आगे बढ़ाने के लिए, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस थीम को आगे बढ़ाया। दूसरा, गोगिना जैसे, रातिर केठी जैसे दूरस्थ क्षेत्र में इंटर कॉलेज में हमने विद्यालय में शिक्षक मुहैया कराकर उत्तराखंड में प्रथम स्थान और द्वितीय स्थान लाने का काम उन विद्यालयों के माध्यम से किया है। और खेल कूदों के माध्यम से युवाओं के लिए निरंतर हम अपने स्वर्गीय पिताजी आदरणीय स्वर्गीय मंगल सिंह ऐठानी जी के नाम से राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हम लगातार कपकोट के धारेश्वर मैदान में कर रहे हैं, और क्रिकेट के माध्यम से हम लगातार वो कर रहे हैं, और युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना और अपनी सेहत के प्रति जागरूक करने का काम हमने अपने कार्यकाल में किया है। क्या आपको लगता है कि जो आज की शिक्षा प्रणाली है उसको सुधार करने की आवश्यकता है? शिक्षा प्रणाली है आज की, तो जो हमारा पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में पूरे हम लोगों की जो अपेक्षाएँ हैं वो ये है कि हमारे प्रत्येक विद्यालय में हमारे शिक्षकों की व्यवस्था हो, और सरकारें, मैं पूर्व में भी कहता हूँ वर्तमान में भी कह रहा हूँ, कि सरकारें एक व्यापारी के दृष्टिकोण से देखना बंद करें, और सरकार जो है, एक बच्चा भी है, राइट टू एजुकेशन जो हमारी थीम है, जो राइट टू एजुकेशन की थीम को हमको पूरा करने की ज़रूरत है, और एक बच्चा भी है तो उसके लिए सरकारी शिक्षा का हमको उसको देने का काम हमने करते हैं। जापान जैसे देश में जब एक बच्चे को लेने के लिए 100 किलोमीटर ट्रेन जा सकती है, तो हमारे वहाँ शिक्षकों की पूर्ति क्यों नहीं की जा सकती? तो मेरा है कि सरकार अपना व्यापारिक दृष्टिकोण बंद करे। जिस तरीके से अभी आ रहा है कि 10 बच्चों के उसमें विद्यालय बंद हो जाएंगे, 9 बच्चे 10 से नीचे जो बच्चे हैं जिन विद्यालयों में, वो बंद हो जाएंगे, तो मेरा ये गुजारिश है कि पहाड़ के पलायन को रोकते हुए पहाड़ के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए सरकार को ये कदम वापस लेना चाहिए। क्या मूलभूत सुविधाओं का अभाव पलायन का कारण बन रहा है? नहीं, पलायन देखिए, एक रोजगार के अवसर नहीं होंगे तो आदमी स्वतः ही बाहर जाएगा। पलायन की भी अलग अलग परिभाषाएं हैं। एक पलायन वो है कि हम पूरा अपना घर बार छोड़ कर चले गए, दूसरी व्यवस्था जो हमारी है कि हम रोजगार के लिए बाहर गए और फिर वापस आ गए। तो इसमें पलायन के लिए हमें यहाँ पर वो रोजगार, हमें आज मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं, मैं देख रहा हूँ इतनी कॉम्प्लिकेटेड इन लोगों ने कर दी केंद्र की सरकार ने, कि जो विश्व ने जिसको सराहा था कि ये योजना जो है गरीबों के लिए सबसे कल्याणकारी योजना थी, अगर मनरेगा जैसी योजना रहती तो हमारे लोग जो गरीब तबके के लोग हैं वो कम से कम रोजगार घर पर मिलता तो वो यहीं पर रहते। दूसरा, हमें जो हमारे फल उद्यान और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम उसकी मार्केटिंग नहीं कर पा रहे हैं। आप जैसे मंडुए की मार्केटिंग पूर्ववर्ती सरकार ने करी, तो मंडुए के बिस्कुट को मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी कहने का मौका मिला मुदार जैसी जगह में। तो इस तरीके से रोजगार के प्रति हमको जागरूक करने की ज़रूरत है, ताकि लोग बाग हमारे रोजगार से दो रोजी रोटी के लिए अपना रोजगार यहाँ पर कर सके और पलायन की स्थिति को रोका जा सके। खेती पे बढ़ावा देने की ज़रूरत है, आज उद्यानी पे बढ़ावा देने की ज़रूरत है। आज मैं कहता हूँ पशुपालन पे किसी का ध्यान नहीं है। आज
भावर और पहाड़ की स्थिति यह है, भावर की गाय एक बाल्टी में दूध देती है एक टाइम में और पहाड़ की गाय एक लोटे में दूध देती है। तो इस कारणों को जानने की कोशिश सरकारों ने नहीं की। तो मैं निरंतर प्रत्येक प्लेटफॉर्म में कहते का भी कहता हूँ कि भाई सरकार को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा। भाई आज हमको तुलना करनी पड़ेगी कि पहाड़ और मैदान के अंतर, जब तक हमारे राज्य जो परिकल्पना जो हमारे राज्य की गई थी जिसमें हमको पहाड़ और पहाड़ी राज्य का के नाम से हमारा राज्य बना, आज मैदान में बैठे हुए लोग हमारे पहाड़ की स्थितियों के बारे में, हमारे क्या हमारी पृष्ठभूमि है, क्या हमारे पहाड़ के कष्ट हैं, क्या हमारे पहाड़ के रोजगार के लिए हमको करना है, पहाड़ के युवा के लिए करना है, तो मैदान में बैठे हुए व्यक्ति को पहाड़ के बारे में जानकारी कम है। तो मेरा यही है कि पहाड़ के लोगों की योजना है पहाड़ में बैठ कर हों ताकि वस्तुस्थिति मैदान पर आ सके।